आज मैं आपके सामने यूकेजी के बच्चों के लिए ए की मात्रा ए की, तो उसको उनको बच्चों को आप कैसे प्रैक्टिस करा सकती हूँ, तो एक वर्कशीट लेके आई हूँ। तो आइए देखते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, पढ़िए और जोड़कर लिखिए। तो ब ए प्ल ला, तो इसको बच्चे जोड़ के लिखेंगे बैल। क ए से कैसे, तैर। मैं ना, जय से। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन देंगे। सेकंड क्वेश्चन आप बच्चों को किस तरीके से देखते हैं, दो अक्षर के शब्दों में ए की मात्रा लगाओ। जैसे पैर, पर रे नहीं होगा, पैर। मैल, मलाय नहीं होगा, सैर। गैस, पैसा। मैया, नैना। थैला। तीन अक्षर के शब्दों में आप बच्चों को कैसे प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं, जैसे बैटरी, अटैची, सैनिक, मैदान, कैमरा, कैलाश, पैदल, शैतान। इसी तरीके से आप हमेशा चार अक्षर वाले शब्दों में भी मात्रा लगाना कोई बच्चों को दीजिए, जैसे बैल गाड़ी, खप रैल, थैले वाला, पैसे वाला, ऐसे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे लिखे वाक्यों में मात्रा लगाओ। जैसे भैया भैया, मैया नैया, में क्या है गया लाई, गैया लाई, मैना के डैने भीग गए। आप बच्चों को अगर जैसे ऐसे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को नहीं समझ में आते, तो आप उनको नीचे अंडरलाइन लगा के दे सकते हैं, जिससे कि वो समझ में जाएगा कि इस अक्षर में हमारा जो है मात्रा लगनी है। जैसे वैभव, तैर कर, ऐनक पहन, बैल गाड़ी पर बैठा, कैलाश कमरे में बैटरी भर लाया, भैया पैर मत फैला। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से ए व ए की मात्रा छाट कर लिखो। जैसे इधर हम लोग मान लीजिए लिखते हैं ए की, इधर लिखते हैं ए की, तो सैर, तो कहाँ आएगा सैर, सैर। ठेला, पैर, फिर थैला, बेर, बैल, बेलन, और देखना। तो इस तरीके से आप बच्चों को शब्द देंगे तो बच्चों को समझ में आएगा। जब आप बड़ी उसकी मात्रा दी, जैसे ओ ओ, तो जब ओ की आप वर्कशीट बनाइए बच्चों को, तो ओ की प्रैक्टिस जरूर करवाइए, मींस उसके साथ साथ, जिससे कि बच्चे के दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट देखिए कैसे लिखना है, पहचानिए और नाम लिखिए। जैसे ए नक, पैर, ये क्या है थे ला, नो का, बैटरी। तो इस तरीके से करें। फिर नेक्स्ट आप वर्कशीट किस तरीके से बना सकते हैं, सही शब्द पर गोला लगाओ। जैसे गोदी या गौदी, गोदी होता है, मौसी या मौसी, मौसी सही शब्द यह है, रोटी या रोटी, रोटी, तोलिया तौलिया, तौलिया, भोरा या भौरा, भौरा, चौड़ी चौड़ी, चौड़ी होता है, नो नो नो, कोर कोर कोर। फिर अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्या दे सकते हो, खाली स्थान पे ओ या ओ से शुरू होने वाले शब्द लिखो। जैसे शाम को आंधी आई और क्या होगा, ओले पड़े, ओले पड़े। एक औरत, एक औरत
नीली ओढ़नी पहनकर आई, ओढ़नी पहनकर आई, घास से गीली थी, किससे गीली थी, ओस से गीली थी। इस तरीके से कर सकते हैं। औषधि लेने से बीमारी ठीक हो गई, औषधि लेने से बीमारी ठीक हो गई। नाविक ने नाव किनारे की और मोड़ ली, और किनारे की और मोड़ ली। तो इस तरीके से होगा। सभी माँ बाप अपनी ओर से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे ओर नहीं आएगा, औलाद आएगा। औलाद से प्यार करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में औ की मात्रा लगाओ। जैसे नकार में क्या होगा, नौ का, पधा पौ धा, अरत औ रथ, फज फौज, खिलना खिलौना, तलिया तौलिया। तो इस तरीके से होगा। नेक्स्ट वर्कशीट आप बच्चों को किस तरीके से दे सकते हैं। गोले में दिए गए अक्षर को बाहर वाले अक्षर से जोड़कर लिखो। जैसे कौ न कौ र कौ शल कौ वा। तो इस तरीके से दे सकते हैं। फिर जौहर, ये वाली वर्कशीट तो आप जरूर दीजिए। जौहरी, जैसे गौर गौड़ गौड़ गौरव, गौशाला, जैसे चौक चौका, चौकोर चौकड़ी, जैसे शौक सोच शौकीन, यहाँ होगा शौचालय शौचालय, ये भी हो सकते हैं। इधर लौट लौकी। तो इस तरीके के शब्द आप बच्चों को जरूर दीजिए, तो वो प्रैक्टिस करेगा। नेक्स्ट वर्कशीट आप एक और बना सकते हो, जिसमें ए और ए की मात्रा में छाट कर लिखनी है। जैसे हम सपेरा देखने गए थे, तो ये सब क्या है, देखने गए थे, ये सब किसमें आता है, ए की मात्रा में। हैरी किसमें आएगा, ए की मात्रा। शैतान ए, तो आप चाहे यहाँ अलग से लिख सकते हो ए और ए के शब्द। दिनेश ए की मात्रा, बटेर ए, करेला ए की मात्रा, ए की मात्रा, खरीदे, ये सारा कहाँ है, ए की मात्रा। शैलजा तैरना सीख, ये सब क्या है, ए की मात्रा। सितारे सितारे मेरे पास ले आ, कौन सी मात्रा है, ए की मात्रा। बैल ने खपरेल गिरा दिया, ए की मात्रा। तो अलग शब्द यहाँ पे छाट के आप लिख सकते हो। सेवा कर मेवा खा, ए की मात्रा, और ये ए की मात्रा। तो इस तरीके से आप वर्कशीट बच्चों को दे सकते हो, और घर पे आप बैठ के प्रैक्टिस करवा सकते हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।